हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च अगेन। आज हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस डाल दिया करो मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके। तो उसके लिए दो क्वेश्चंस आपके लिए जो भी टॉपिक्स हैं उन्हीं से बना के डाले हैं, तो आपको लिखना है, दोनों आपके 150 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। और उसके बाद जो भी टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आपको लिंक आंसर लिख के वो लिंक आपको मिल जाएगी, उस पर डाल देना है। तो उस पर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको चेक करूंगा और फिर उसमें जो भी कमेंट हो सकते हैं वो देखूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ द मॉडल टेनेंसी एक्ट। तो पहला क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका मतलब है कि जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है उसके महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया टिल नाउ। यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ प्रेस सेंसरशिप है इंडिया में, तो ब्रिटिश इंडिया से लेकर अब तक उसके इतिहास की चर्चा कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों लिखें और लिखने के बाद लिंक पे आप सेंड कर सकते हैं, तो आपका वो चेक किया जाएगा। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। फर्स्ट टॉपिक है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आसाम, इन चार राज्यों ने अपने जो टेनेंसी लॉज हैं उनको रिवाइज किया है और उनको मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के हिसाब से ढाला है। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट 2021 में मॉडल टेनेंसी एक्ट लेके आई। ये मॉडल इसलिए लेके आई थी क्योंकि जो टेनेंसी का मामला है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और किसी भी राज्य सूची के विषय पर, यानी कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं होता है कि वो कानून बना पाए। तो इसलिए वो मॉडल टेनेंसी एक्ट लेके आया कि भाई ये हमने मॉडल बना के दे दिया है और इसके बेस पे आपको अपने कानून बनाने हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन चार स्टेट्स ने अपने टेनेंसी लॉज में कुछ रिफॉर्म किया है, उनको रिवाइज किया है। आगे आपको मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को उसने अप्रूव किया था। तो ये क्यों लाया गया था, ये इसका मेन जो उद्देश्य था, मेन पर्पस था, दैट वाज स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग प्रॉपर्टी इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि पूरे देश में जो मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया, तो वो उसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में जो भी टेनेंसी की लॉज हों उनमें एक रूपता हो, संगतता हो, यानी कि वो स्ट्रीमलाइन हो सके और उनमें एक कोहरेंस देखने को मिले। तो इस चीज़ को इसमें ध्यान रखा गया था। तो सबसे पहला जो स्टेट था, अब स्टेट का अब तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर ने इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया था, सबसे पहले अपनाया था। दूसरा है इसमें कि सिंस हाउसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, वही अभी हमने जो डिस्कस किया था वही मामला है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है, बल्कि कौन कानून बना सकता है, राज्य सरकार कानून बना सकती है। उसके बाद इट रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग टेनेंसी प्रोविजंस ऑफ मोर देन 70 ईयर्स, 70 साल से ज़्यादा पुराना ये जो टेनेंसी एक्ट है 1949 का, ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, इसको इसने रिप्लेस किया है इस मॉडल टेनेंसी एक्ट ने। एंड उसके बाद इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि तो 2011 के सेंसस के हिसाब से आज भी अगर देखा जाए तो देश में 1.1 करोड़ ऐसे घर हैं जो अभी भी वेकेंट पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि टेनेंसी लॉज जो हैं वो सही नहीं है उनकी वजह से। तो इसकी जो मार्केटिंग होती है, इसकी जो वैल्यू है वो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जितनी की होनी चाहिए। लेकिन अब ये मॉडल टेनेंसी एक्ट आया और इसको देखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ अगर ऐसा करती हैं, इसके हिसाब से कानून बनाती हैं, तो निश्चित रूप से इसमें सुधार देखने को मिलेगा। सो हाउसेज अवेलेबल ऑन रेंट विल कॉम्प्लीमेंट द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। यानी कि जो हमारे सरकार का उद्देश्य है कि 2022 के लास्ट तक, अब तो लास्ट आ ही गया लगभग, तो 2022 के लास्ट तक सबको घर मुहैया कराना है, तो वो भी टारगेट अचीव करने में ये मदद करेगा अगर ये टेनेंसी लॉज में एक कोहरेंस देखने को मिलता और स्ट्रीमलाइन होता है ये। तो अब इसमें की हाइलाइट्स क्या हैं 2021 के टेनेंसी एक्ट के, तो वो हम देख लेते हैं। पहला है एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो भाई ये सब जगह एप्लीकेबल है, लगभग कोई भी आपका रेसिडेंशियल एरिया हो, कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ जगहों को छोड़ के। एक तो आपका इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अगर आपने कोई टेनेंसी लिया है, अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लिया है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा कहाँ पर नहीं है ये, अगर आपने होटल्स के लिए लॉजिंग हाउसेस होते हैं, जो सराय होती हैं यानी कि इन्स जहाँ पे लोग ठहरते हैं, तो उन जगहों को छोड़ के ये बाकी सभी जगह पर एप्लीकेबल होता है। सी एग्रीमेंट ऑल प्रीमिसेस दैट में भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल कैसा भी हो सकता है, तो शैल बी रेंटेड ओनली आफ्टर रिटन एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट के बाद ही वो रेंट पे दिया जाएगा, ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड इन्फॉर्म टू प्रपोज्ड रेंट अथॉरिटी विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। कहने का मतलब इतना सा है कि कोई मकान मालिक है और एक कोई किराएदार है ना, किसी की ज़मीन है और एक किराएदार है, जब वो दोनों आ रहे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई ये हमारे बीच में इन कंडीशंस पे एग्रीमेंट हुआ है,
अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो और बाद में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो भाई रेंट अथॉरिटी फिर काय को सुनेगी जब तुमने उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया। हालांकि प्रोविजन तो ऐसा है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना होगा और ये रिटन एग्रीमेंट ही होगा और म्यूचुअली अग्रीड है। कैसा है? म्यूचुअली अग्रीड, यानी कि कुछ कंडीशंस वो रखेंगे मकान मालिक, कुछ कंडीशंस ये रखेंगे, जब दोनों म्यूचुअली अग्रीड हो जाएंगे तब वो एप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद टिनेंसी पीरियड के बारे में आपको बता रखा है कि टिनेंट में रिक्वेस्ट फॉर लैंडलॉर्ड फॉर रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ टिनेंसी पीरियड, मतलब टिनेंसी पीरियड आपका जो भी था वो खत्म हो गया, अब उसके बाद आप लैंडलॉर्ड से बोलोगे कि भाई इसको रिन्यू कर दो। अगर उसकी मर्जी है तो वो रिन्यू करेगा, मर्जी नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है, उसके ऊपर है। अब मान लो कि भैया इस पर्टिकुलर डेट को आपको वो घर खाली करना था और आपने खाली नहीं किया, पर्टिकुलर डेट को करना था आपने नहीं किया, तो फिर होगा क्या कि पहले 2 महीने में आपको दोगुना किराया देना पड़ेगा। जितना भी मान लो आप 10,000 दे रहे थे तो आपको 20,000 देना पड़ेगा, लेकिन 2 महीने के बाद फिर अगले जो टाइम आएगा उसमें आपको 4 टाइम्स देना पड़ेगा, तो अब 10,000 का आपको 40,000 देना पड़ेगा। तो ये इसमें प्रोविजन किया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की गई है कि भाई अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहा है, यानी कि रहने के लिए ले रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम 2 मंथ का आपको एडवांस लेना होगा, यानी कि जो भी मकान मालिक है वो एडवांस कितने का, अधिकतम 2 महीने का ले सकता है। बट अगर कोई वही कमर्शियल पर्पज़ के लिए ली जा रही है, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए मिनिमम 6 मंथ का लेना होगा। समझ रहे हो? वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था मैक्सिमम, यहाँ पर है मिनिमम। तो मिनिमम 6 महीने का आपको किराया लेना पड़ेगा एडवांस में। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और उसके बाद है डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा जहां पर रेंट एग्रीमेंट के लिए अप्लाई किया जा सके, जो भी फॉर्म है वहां पर डाउनलोड किया जा सके, तो ईजी प्रोसेस हो जाए पूरा, बार बार तहसील इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। अब उसके बाद है सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब होता है जैसे मान लो एक पर्सन है ए, इस पर्सन ए से बी ने क्या किया, किराए पर ले लिया। ए का क्या है, मकान है, और बी ने किराए पर ले लिया, और ये बी क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बंदे सी को ये किराए पे दे देगा। तो भाई ये इसे बोलते हैं सबलेटिंग। ये कब कर पाएगा ऐसा? ये तभी कर पाएगा जब ए इसको परमिट करेगा। ए परमिट नहीं करता है और ये अपने आप से किसी को किराए पे दे देता है तो दैट इज़ नॉट लीगल, तो ये फिर लीगल नहीं माना जाएगा इसमें। तो ये प्रोसेस पूरा सबलेटिंग का आपको यहाँ पर समझा रखा है। अब सबलेटिंग के बाद है 3-tier रिड्रेसल सिस्टम। इसमें जो रिड्रेसल सिस्टम है वो 3-tier है। पहला है आपका रेंट अथॉरिटी, सबसे ऊपर अपेक्स पे है, दूसरा है रेंट कोर्ट, एंड आफ्टर दैट रेंट ट्रिब्यूनल। ये 3 है। तो इस एक्ट में क्वासी, ये जो तीनों टीयर है ना, ये क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल का मतलब अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, यानी कि इनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है और इसके अलावा इनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दिए गए हैं। सो ये क्या, डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट बाय रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल शुड बी विद इन 60 डेज, यानी कि जो भी मामला गया है तो इनको क्या, कितने 60 दिन के अंदर अंदर उस मामले को सुलझाने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोविज़न है ये वास्तव में काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा प्रोविज़न किया गया है, क्योंकि 60 दिन के अंदर मामला तो सुलझ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जिस तरीके के केसेस चलते हैं कि भाई उनकी 3 पीढ़ी गुजर गई, वो बंदा ही नहीं रहा, उसकी फाइल खुल के आ रही है, वो कहाँ है। तो जब उसके नामो निशान नहीं रहा, तब फाइल खुल रही है, तब मतलब क्या है उसका। तो इस तरीके का ये प्रोविज़न बहुत अच्छा है। उसके बाद हम एविक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एविक्शन के बारे में क्या दे रखा है इसमें? एविक्शन के बारे में दे रखा है कि टू एविक्ट अ टेनेंट लैंडलॉर्ड मस्ट अप्लाई टू द रेंट अथॉरिटी। मतलब अगर मान लो कोई मकान खाली नहीं कर रहा है तो वो जो मकान मालिक है वो रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और अपनी कुछ कंडीशंस रखेगा। कहने का मतलब है कि कुछ कंडीशंस में ही उसको बाहर किया जा सकता है। पहला, अगर वो क्या करता है, रिफ्यूजल टू पे एग्रीड अपॉन रेंट, मतलब जो रेंट 10,000-15,000 जो भी तय किया गया था, अगर वो उतना नहीं देता है तो फिर उसको खाली करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, फेल्योर टू पे रेंट फॉर मोर देन 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा का अगर वो रेंट पे करने में फेल हो जाता है तब उसको खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा जिस काम के लिए उसने लिया था, उस काम के अलावा कोई वो दूसरा काम कर रहा है तब खाली करना पड़ेगा। और अगर वो उस प्रीमिस को, जो भी प्रीमिसेस उसको दिया गया है, उस प्रीमिसेस को अगर वो मिसयूज कर रहा है तब भी खाली करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडल टेनेंसी एक्ट, जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला सिग्निफिकेंस है कि जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के राइट्स होते हैं उनके बीच में एक संतुलन यहाँ पर बनाया गया है कि भाई दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर ही बाद में क्या होगा, वो एग्रीमेंट होगा, है ना। ऐसे नहीं अपने आप से कुछ भी, तो दोनों की सहमति इसमें देखी गई है, तो ये प्रोविजन है। दूसरा है क्रिएट अ वाइब्रेंट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग। जब इस तरीके का प्रोविजन होगा, एक तो इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की गई है, इसके अलावा का जो डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है तो वो 3-tier है और बहुत अच्छा सिस्टम है, तो डेफिनेटली ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव है। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका बता रखा है यहाँ पर, बूस्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेंटल हाउसिंग। जब प्रोविजन्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर अगर उसको प्रॉफिट देखेगा इसमें तो वो भी आएगा। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनलाइज रेंटल हाउसिंग बाई प्रोग्रेसिवली ब्रिंगिंग इट इनटू लीगल मार्केट।
यानी कि वो इसको लीगल हो जाएगा, ये अगर कानून बन के इसके लिए आ जा रहा है तो ये चीज़ लीगल हो जाएगी और इसका मार्केट है वो काफ़ी डेवलप होगा। सो प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इस सेक्टर में भी लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि बिल्डिंग्स बनाएंगे और उनको रेंट पे देंगे, तो ये इंडस्ट्री भी इंडिया में डेवलप अच्छी तरीके से हो सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें अगर ये डेवलप हो रही है तो लोगों को रहने के लिए घर तो कम से कम अच्छा मिलेगा। अब इसके साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं तो वो इश्यूज़ हम देख लेते हैं। पहला स्पेसिफिक डिटेल्स, भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स देने की बात की गई है। सो इट गोज़ इनटू माइन्यूट डिटेल्स ऑफ अ रेंटल एग्रीमेंट लाइक लैंडलॉर्ड कैरी आउट विद स्टैंडिंग ऑफ वॉल्स वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें माइन्यूट की बात की गई कि कैसा कमरा होगा, कैसा घर होगा, पानी कैसे यूज़ करना है, मतलब सारा कुछ एग्रीमेंट हो गया। अब अगर मान लो कि म्यूचुअली अगर दोनों कुछ बदलाव करना चाहें, कुछ चेंजिंग करना चाहें उस एग्रीमेंट में, तो वो कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एक ही कमी बताई गई है। दूसरा क्या, नो सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कोई सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, बहुत सारे कानून बने हुए हैं और वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल। तो यहाँ पर ये प्रोविजन किया गया था कि जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल को कौन स्थापित कर रहा है, कौन उसको एस्टैब्लिश कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, यानी कि जिले का प्रशासन होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। तो इनकी जो जिम्मेदारी अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिलनी चाहिए, यानी कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनको मिलनी चाहिए थी जो जिम्मेदारी, वो उनको ना देके गवर्नमेंट के कंट्रोल को बढ़ाया गया है, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ इक्वल एक्सेस, है ना, इक्वल एक्सेस नहीं है इसकी। इंट्रोडक्शन ऑफ ए मैंडेटरी डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है वर्नेकुलर लैंग्वेज में। अब भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लेके तो आ गए, बट सब जगह तो भाई डिजिटल लिटरेसी नहीं है ना, तो डिजिटल लिटरेसी नहीं है लोगों के पास, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके पास साक्षरता के अलावा और भी समस्याएं हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कईयों के पास टैबलेट लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, तो ये क्या है कि इक्वल एक्सेस को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि समस्याएं और क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है रेंटल डिस्क्रिमिनेशन, इट फेल्स टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स फ्रॉम रेंटल डिस्क्रिमिनेशन। अब वो रेंटल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैचलर्स को नहीं देते हैं, बैचलर से बोल देते भाई शादी हुई नहीं हुई तो भाई तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम जाके और कहीं जाओ, तो भाई भगा दिया जाता है। इसके अलावा अनमेरिड कपल्स होते हैं उनको नहीं देते हैं, भाई जो लिव इन में रह रहे हैं या कुछ भी है उनसे भाई पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई, वो बंदा बोल दे नहीं हुई तो नहीं रहने देंगे। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको नहीं, दलित्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर पर्सन, है ना, तो इस तरीके के जो लोग हैं और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है, उनको नहीं दिया जाता है किराए पे। तो इसमें इन सब के बारे में कोई बात नहीं की गई है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसके बारे में बात होनी चाहिए थी। उसके बाद है नॉन बाइंडिंग नेचर, तो ये क्या है, स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया भाई कि अपने हिसाब से आप इसको इंप्लीमेंट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करो, अपने कानून को इसके हिसाब से बदलना है तो बदल लो, नहीं बदलना है तो ना बदलो। तो मतलब ये नॉन बाइंडिंग है, तो अभी चार स्टेट ने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है, कुछ एक आध और करेंगे जो भी करते हैं, बाकी तो नहीं कर रहे हैं ना। तो जो तुम्हारा ये लाने का पर्पज़ था कि पूरे देश में एक जैसे टेनेंसी लॉज होंगे, तो वो कहाँ फुलफिल हो पा रहा है, और हो भी होएगा भी तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए, तो एक ये समस्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सरकार के द्वारा जो अदर इनिशिएटिव्स ऐसे क्या लिए गए हैं कि जिससे कि लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके। तो पहला है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो ये महुआ जो हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसने इसको इनिशिएट किया था। ये जो हमारी स्कीम है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली, उसी की एक ये सब स्कीम थी कि जिससे कि लोगों को घर मुहैया कराया जा सके। उसके बाद क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो ये हमने देखा ही था कि जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं या EWS कैटेगरी में आते हैं तो उनको घर मुहैया कराया जाए, तो इसमें ये व्यवस्था की गई है। एंड आफ्टर दैट ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया का ये था, तो इसमें महुआ ने ये इनिशिएट किया था टू आइडेंटिफाई द मेन स्ट्रीम अ बास्केट ऑफ इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर दैट आर सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड डिजास्टर रेजिलियंट। मतलब इसमें हुआ क्या था कि बहुत पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मिलकर इसमें बात की, चर्चा की कि भाई किस तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी तकनीकों को लाया जाए कि जो कंस्ट्रक्शन है वो फिजिबल हो सके, सस्टेनेबल हो सके, इको फ्रेंडली हो सके और डिजास्टर रेजिलियंट हो सके। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या दे रखा है। वे फॉरवर्ड में क्या है कि बैलेंस अप्रोच की बात की गई है ना, कि जो सोशल वेलफेयर ऑफ टेनेंट्स की बात हो या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स की बात हो, तो दोनों के भाई क्या करना चाहिए कि बैलेंस बना के चलना चाहिए। जो किराएदार है उसको भी ध्यान में रखो, जो मकान मालिक है उसको भी ध्यान में रखो, तो दोनों में दोनों को ध्यान में रखोगे और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चलोगे तो इसमें समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। उसके बाद बता रखा है प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कि भाई इसमें इंगेजिंग प्राइवेट सेक्टर्स इनटू अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग थ्रू मॉडल्स, लाइक कौन कौन से मॉडल्स अपना सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के। तो फर्स्ट है बिल्ड टू रेंट, यानी कि भाई कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं, वो इसी उद्देश्य से बना रहे हैं कि रेंट पे बाद में उठा देनी है, या फिर रेंट टू ऑन। रेंट टू ऑन का मतलब होता है कि भाई किसी ने रेंट पे ले रखा है और उसने ये एग्री कर लग गया है कि भाई
और उसका एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ले रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल इतने टाइम के लिए आपका रेंट पे ले रहे हैं और इस डेट को हम आपका ये खरीद लेंगे। तो ये होता है रेंट टू ओन, तो एक ये भी अपनाया जा सकता है। इसके अलावा एनश्योर क्वालिटी, तो देयर इज नीड फॉर अ सेपरेट मेकानिज्म बियॉन्ड द मॉडल टेनेंसी एक्ट दैट एनश्योर्स द प्रोविजन ऑफ सेफ एंड गुड क्वालिटी रेंटल यूनिट्स फॉर टेनेंट्स वाइल इंश्योरिंग ए फेयर इकोनॉमिक रिटर्न फॉर होम ओनर्स। कहने का मतलब यही है कि ऐसी क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए, अगर जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं तो उनमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों की क्वालिटी मेंटेन है, उसको किराया भी अच्छा मिल जाए और जो मकान के लिए या किसी दुकान के लिए लेने गया है किराए पे तो उसको भी अच्छा मिल जाए। एंड आफ्टर दैट यूनिफॉर्मिटी, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब जगह अलग अलग नहीं होना चाहिए। प्राइसेस को भी प्राइसेस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मकान मालिक अपने हिसाब से कुछ भी मांग रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्राइसेस जो है उनमें भी यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है कि एक हद से ज़्यादा ना मांगें और हद से कम ना मांगें। और कॉपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाए इसमें कि लैंड एंड प्रोविजन ऑफ हाउसिंग बीइंग स्टेट सब्जेक्ट्स there is need to foster cooperative federalism and bring in all the stakeholders, जैसे tenants हैं, owner हैं, state है, इनको सबको साथ में लाने की जरूरत है। और जो सरकार ने ये मॉडल टेनेंसी एक्ट लाई है सरकार, इसको अपनाएं सभी राज्य और अच्छे से इसको लागू करें और सब लोग जो भी इससे जुड़े हुए हैं मदद करें। तो इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यानी कि NSCSTI, तो हाल ही में अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस है उसने इसको लॉन्च किया है। ये नई स्टैंडर्ड्स लेके आई है किसके लिए, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए। जो सिविल सर्विस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए नए स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं कि वो किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके बारे में, तो दैट इज़ व्हाट दैट दिस इज डेवलप्ड एट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर्स। तो ये कहाँ पर और किसने डेवलप किया है इसको, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसने इसको डेवलप किया। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये हाल ही में अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, 2021 में ये गैजेट ऑफ इंडिया में लाया गया था, जो राजपत्र होता है हमारा, गैजेट निकलता है उसमें नोटिस करके इसको लाया गया था। तो उसके बाद है कोर पर्पज ऑफ द कमीशन इज़ टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड सेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन अ कोलाबरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस। कहने का मतलब बस यही है ओवरऑल इनका कि किस तरीके से ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जा सके, क्षमता का निर्माण किया जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। तो ये जो इस्टेब्लिश किया गया था ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह किया गया था विद कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसको एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि इसकी जो फंक्शनिंग है वो अपने हिसाब से ये फंक्शनिंग करेगा, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होगा। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी इसको दी गई थी कि जो पैसा वगैरह है ये अपने हिसाब से ले सके, जितनी भी इसकी ज़रूरत है उस हिसाब से इसको पैसा दिया जाए, ये किसी पर डिपेंडेंट ना हो कि भाई इसके लिए वोटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सरकार सेंक्शन नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर भी इसको स्वायत्तता दी गई है। जो CVCS के टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, सो मेंबर्स एंड इज सपोर्टेड बाय एन इंटरनल सेक्रेटरिएट, और एक जो इसका सेक्रेटरिएट होता है यानी कि सचिवालय होता है, और जो सचिवालय जो हेड होता है सचिवालय को, दैट इज एन ऑफिशियल इन द ग्रेड ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि जो ज्वाइंट सचिव के पद पर होता है उस पद का व्यक्ति इसका हेड होता है। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके, तो पहला तो फंक्शन है वही कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्लान बनाना, जो भी एनुअल प्लान होता है वो बनाना। इसके अलावा दूसरा होता है कि एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट बनाई जाती है इसके द्वारा कि भाई क्या कंडीशन चल रही है सिविल सर्विसेज की इंडिया में। उसके बाद है कि जो नॉलेज पार्टनर्स हैं मिशन के लिए, अप्रूविंग नॉलेज पार्टनर्स फॉर द मिशन, यानी कि मिशन का मतलब ये है कि ट्रेनिंग बिल्डिंग कैपेसिटी के लिए जो हमारा मिशन है तो उसके लिए कि नॉलेज पार्टनर्स कौन कौन से होंगे, तो वो अप्रूव यही करता है। इवॉल्विंग अ हारमोनियस डी सॉइल्ड अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वही सारा कुछ है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये जो स्टैंडर्ड्स को क्रिएट किया गया है सिविल सर्विसेज के लिए, दुनिया में एक यूनिक चीज़ लेके आए हैं, है ना। ऐसा कहीं पर भी मॉडल अभी तक लाया नहीं गया है। तो सो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कम आउट विद अ यूनिक मॉडल टू क्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एट नेशनल लेवल, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर इंडिया में देखा जाए तो हायर एजुकेशन देखी जाए, हेल्थ केयर देखी जाए, एनवायरमेंट देखी जाए, तो उसके लिए तो पहले से ही स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये जो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग जहाँ होती है उनके इंस्टीट्यूशंस में के लिए जो स्टैंडर्ड्स लेके आए हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है। उसके बाद आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड्स विल इक्विप सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प सिविल सर्वेंट्स टैकल इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। भाई देखो, पुराने टाइम की जो ट्रेनिंग चली आ रही है तो वो अब इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो वास्तव में ट्रेनिंग में करवाई जाती है लेकिन वास्तव में जब जरूरत पड़ती है तो वो किसी काम में नहीं आती। मेरा एक फ्रेंड है तो वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है तो बता रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जा रही हैं तो वो बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी काम में आने वाली हैं। तो ये जो इतना पुराना चला आ रहा है तो उसमें भी क्या होगा, बदलाव होगा। 21st सेंचुरी की जो डिमांड है उसके हिसाब से उसमें बदलाव किए जाएंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि दैट क्रिएट्स अ बेसलाइन। उसने एक बेसलाइन बना लिया कि भाई सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं तो
इसके हिसाब से वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे कि भाई क्वालिटी है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। अब उसके बाद है, इट विल सेट एस्पिरेशंस फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब एक बेस आपको दे दिया गया है, कि बेस भी बहुत अच्छा, जब बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वही कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो एक्सीलेंस की तरफ अपने कैंडिडेट्स को ले जाना चाहेगा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो इनका स्टैंडर्ड ये लाएगा, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस तो यही है कि भाई एडजस्ट आउटलुक ऑफ सिविल सर्वेंट्स मेथड्स टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ न्यू टाइम्स। मतलब जो नया समय है, 21st सेंचुरी है, टाइम के हिसाब से इसमें चेंजिंग लाई जाएगी। उसके अलावा दूसरा क्या है कि प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू कॉन्टीन्यूसली बिल्ड कैपेसिटी एंड अपग्रेड। मतलब वही अपग्रेडेशन की बात की गई, अपग्रेडेशन होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वही जो अभी हमने देखा था सारा कुछ। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज, जो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके, जिनके एक्सीलेंस के 8 पिलर्स बताए गए हैं। पहला क्या है? असेसमेंट, यानी कि ट्रेनिंग जो भी हो रही है उसके लिए असेसमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें असेसमेंट को भी ध्यान में रखा गया है। दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट, यानी कि जो फैकल्टी वहाँ पर जो पढ़ा रही है, जो कुछ भी करवा रही है, तो उसके भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। रिसोर्स टारगेट, उसके बाद डिजिटलाइजेशन, ट्रेनिंग सपोर्ट, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग एवोल्यूशन, ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस। तो ये सारी 8 पिलर्स आपको दे रखे हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, जिससे कि आप मेंस में जब आंसर राइटिंग कर रहे हो, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स वाला जो टॉपिक है हमारे GS4 में क्लियरली दिया हुआ है, तो ये आपकी वहाँ पर मदद कर सकता है कि जो 8 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए हैं, तो वो कौन से हैं। करंट इश्यूज़ हैं, इनकी समस्याएं हैं इन इंस्टीट्यूशंस के साथ में, तो क्या है? पहला है लैक ऑफ ट्रेनिंग। भाई जो हाई पोस्ट पर होते हैं, IAS हैं, IPS हैं, उनको तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी जाती है, लेकिन उनके नीचे भी तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, तो उनको तो ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड करवाई नहीं जा रही है। तो भाई मतलब क्या, वो ज़्यादातर तो वही लोग होते हैं, तो पहली ये समस्या, 80-90% तो वही लोग होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी अच्छे से, तो फिर जो ऊपर वाले हैं वो कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी तो उनके ही साथ मिलकर काम करना होता है ना। एक ये, दूसरा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन अगर देखा जाए ना, तो कंटेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर नॉट ऑलवेज रिलीवेंट एंड मीनिंगफुल। हमने अभी जो बात की थी कि भाई कुछ जरूरी नहीं है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं वो रिलीवेंट हो, मीनिंगफुल हो, नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं और अभी भी चल रही हैं। तो अब ये देखा जाए कि नो रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेनिंग कंटेंट्स एंड एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग्स, वही हमने जो भी डिस्कस किया। उसके बाद एक करिकुलम की बात देखी जाए, ट्रेडिशनल लेक्चर चले आ रहे हैं, है ना, जो लेक्चर्स हैं पुराने चले आ रहे हैं, भाई उनका कोई यूज़ नहीं है। उसके अलावा पूरे इवेल्यूएशन, ट्रेनिंग सिस्टम इज नॉट लिंक्ड विद द एजुकेशन एंड रिसर्च एंड सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग रिजल्ट्स एंड फॉलो अप ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अडॉप्टेड। कहने का मतलब वही सब है, अभी हमने देखा था कि एवेल्यूएशन सिस्टम भी सही नहीं है, कि भाई किस आधार पर एवेल्यूएट किया जाएगा, तो वही जब सिस्टम ही पुराना चला रहा है तो एवेल्यूएशन कहाँ से सही होगा। इसके बाद वे फॉरवर्ड दे रखा है, तो वे फॉरवर्ड में बता रखा है कि जो नेशनल स्टैंडर्ड ये लाए गए हैं वो तो ठीक है, बट इसके साथ कुछ चीज़ों को और भी प्राथमिकता देनी होगी। तो वो क्या है? पहला है फोर ईज। फोर ईज का मतलब है एम्पावर्ड लर्निंग, यानी कि लर्निंग को बेहतर करना होगा। दूसरा इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। उसके बाद रिमूव द नॉन परफॉर्मर्स। भाई अभी आपने सुना होगा कि भाई प्री मेच्योर रिटायरमेंट की बात की गई, कि भाई अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको पहले ही रिटायरमेंट दे दो। तो ये इससे क्या है कि कॉम्प्लीसेंसी बढ़ेगी, हार्डनेस, कॉम्पिटेटिव स्प्रिट और कॉम्पिटेटिव स्प्रिट बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? कि भाई अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको सर्विस से हटा के घर पर बिठा दिया, तो लोग क्या करेंगे? अच्छे से बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो इसके अलावा ये भी करने की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट मिड कैरियर ट्रेनिंग, कैरियर के बीच बीच में भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। केवल ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपने ट्रेनिंग दे दी, बीच में ऐसी सब चल रहा है, तो वो नहीं, बीच बीच में। क्योंकि भाई मान लो कोई आदमी 1990 में लगा था, अब जाके 2020 में आ गया, तो 1990 से लेकर 2020 के बीच में इतना गैप हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो ट्रेनिंग फिर से प्रोवाइड करवाई जाने की ज़रूरत है। उसके बाद मॉनिटरिंग, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो भाई जो भी नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन का वो मॉनिटर हो सके कि भाई सही से इम्प्लीमेंट की जा रही है कि नहीं की जा रही है। बात बता रखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि सिविल सर्वेंट्स का जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो मिशन कर्मयोगी है, पहला आपने ये तो सुना ही था कि भाई जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, यानी कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो अपने उनकी सोच बदले, उनकी जो वर्किंग कल्चर है वो बदले, और जो जिस मोटिव से वो काम करते हैं वो पब्लिक सर्विस हो, तो इस तरीके की चीज़ें इसमें मिशन कर्मयोगी में लाई गई थी। और उसके बाद आरंभ एक लाया गया था। आरंभ का मतलब क्या था कि जो सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग का कोर्स है, फाउंडेशन जो कोर्स है वो कॉमन होना चाहिए सबके लिए। सो दिस इज द फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग।
उसके बाद नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी लाई गई थी, ये 1996 में लाई गई थी, फिर इसको 2012 में रिव्यू किया गया था। इसका मतलब ये है कि भाई प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देना और इम्पार्शियलिटी को बढ़ावा देना और सिविल सर्वेंट्स जो है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, तो ये इसका पर्पस था। एंड आफ्टर दैट लेटरल एंट्री की बात की जाए तो भाई ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स ही उसमें जाएँ, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको अच्छा नॉलेज होता है उन सबको उसमें अलाउ करना चाहिए और वो अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पर अच्छे से दिखा सकें उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियडिकल्स बिल। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हमारी है उसने डिसाइड किया है कि वो एक बिल लेके आएगी, किसको रिवाइज करेगी, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1861, यानी कि इतने पुराना वाला जो एक्ट है इसको फिर क्या करेगी, रिवाइज करेगी। इसको रिवाइज करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, तो अब भाई इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बता रखा है कि जो 1867 का एक्ट लाया गया था, इसने गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्रेस, यानी कि प्रेस के ऊपर गवर्नमेंट के कंट्रोल को लाने के लिए उसको हेल्प किया था सरकार को। इसके अलावा रेगुलेट बुक पब्लिशिंग को रेगुलेट किया था, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो हमारा है उसको भी इसने कर किया था। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट इसका बता रहा है, पर्पज भी इसका गलत ही था। तो अगले पॉइंट में बता रखा है कि भाई जो भी न्यूज़पेपर है, कोई भी प्रेस है, वो अपना न्यूज़पेपर निकाल रही है, तो उसको 2 कॉपी सरकार को अनिवार्य रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होती थी। इसके अलावा 1 कॉपी प्रेस रजिस्ट्रार जो होता था उसको देनी होती थी। तो इस एक्ट के अंडर में क्या प्रोविजन किया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया अपॉइंट करती थी, है ना, तो वो ये सारे मामले न्यूज़पेपर से संबंधित देखता था, है ना। उसके बाद एवरी बुक और पेपर प्रिंटेड सेल है प्रिंटेड लेजिबली ऑन, मतलब जो भी आपका पेपर प्रिंट हो रहा है, कोई बुक प्रिंट हो रही है, तो उस पर भाई प्लेस ऑफ प्रिंटिंग है, प्रिंटर का नेम है, है ना, पब्लिशर का नेम है, इसके अलावा पब्लिकेशन की जगह है, तो वो सारा कुछ उसमें क्लियरली बताना होता था। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो वो आपका पेपर बंद करवा देती थी सरकार। अब ब्रीफ हिस्ट्री इसमें दे रखी है कि भाई जो हमारे यहाँ प्रेस एंड पीरियडिकल्स की हिस्ट्री है वो क्या है, तो बता रखी है। तो पहला सेंसरशिप एक्ट आया था, आपको पता होगा, 1799 में, तो लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे आया था। इसने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जो न्यूज़पेपर हैं, उनका गला घोटा था इसने। तो ये सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1818 में क्या किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको वापस ले लिया था। उसके बाद जो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स, उन्होंने वो एक लेके आए 1823 में, कौन सा, लाइसेंसिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑर्डिनेंस लेके आए थे, तो उसने भी जो हमारी प्रेस है उसको दबाया था। एंड उसके बाद है गवर्नर जनरल मैटकॉफ एबोलिस्ड द ऑर्डिनेंस टू रिप्लेस इट विद द प्रेस एक्ट ऑफ 1835, यानी कि ऊपर वाला जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 1823 था उसको हटा के प्रेस एक्ट ऑफ 1835 लेके आए थे। और उसके बाद लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 आया था, उसके बाद प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट 1867 आया था, जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ यही काम कर रहा है, और इसी को हटाने के बाद फिर ये लाया जा रहा है। तो जो 1867 का एक्ट आया था वो 1857 की जो क्रांति थी हमारी, उस टाइम पे प्रेस को कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया था, यानी कि हमारे न्यूज़ मीडिया वगैरह का, इनका गला घोंटने के लिए इसको लाया गया था। अब आगे देखते हैं क्या बता, न्यूज़पेपर्स होते हैं, प्रेस होती है, उसके रेगुलेशन की ज़रूरत क्या होती है। तो पहली तो ज़रूरत ये होती है कि यूनिफॉर्मिटी लाना, है ना, सो ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रेगुलेशन कंसर्निंग प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, कि भाई अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्ट लेके आ गए हो तो क्या है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्टेट अपने हिसाब से कर रहा है, कोई जिला अपने हिसाब से कर रहा है, तो वो नहीं है, उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। दूसरा कि फेक न्यूज़ जो है वो आप नहीं निकाल सकते, अगर फेक न्यूज़ फैलाते हो तो इन एक्ट में ये प्रोविजन होता है कि पनिशमेंट आपको मिलेगी। उसके अलावा जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको और भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा, एंड आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस वगैरह ये सब इजी हो जाता है। अब इसके बाद हम इसके सेलेंट फीचर्स देख लेते हैं क्या है। तो पहला है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग डिजिटल मीडिया अंडर द स्कैनर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जो डिजिटल मीडिया है भाई, अभी तक इसमें जो भी पहले था, अब 1867 का एक्ट है भाई, उस टाइम पे काई की डिजिटल मीडिया, है ना, डिजिटल मीडिया तो अब आइए, तो इसमें डिजिटल मीडिया को भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लाया गया है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन की, इसमें बात की गई है कि जो रजिस्ट्रेशन है, ये पास बिल किया गया था, इसमें बात की गई कि जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया है, पब्लिकेशन है, उनको भी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के अंतर्गत 90 डेज में रजिस्टर करना होगा, विदिन 90 डेज रजिस्टर करना होगा। और थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ द एंटिटी, सो द गवर्नमेंट एंटिटी विल हैव द पावर टू एक्ट अगेंस्ट डिजिटल पब्लिकेशंस फॉर वायलेशंस, यानी कि इसमें गवर्नमेंट को ये भी पावर दी गई है, गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई है कि भाई अगर डिजिटल पब्लिकेशन है और वो इस
कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, इट लेज डाउन अ सिंपल सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई पेपर्स। ई पेपर्स वगैरह अगर कोई इशू करना चाहता है तो नॉर्मली वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके जो भी बनाया जाएगा उस पे जाके रजिस्टर कर सकता है आसानी से। तो पहले ये जितनी समस्याएं होती थी वो सब अब नहीं होंगी। अब उसके बाद बता रखा है कि रूल मेकिंग अथॉरिटी, रूल मेकिंग अथॉरिटी कौन होगी, तो द यूनिवर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको बताया गया, उनको ये अधिकार दिया गया है कि भाई अपने हिसाब से तुम इनको रेगुलेट करोगे और अपने हिसाब से रूल्स बना लोगे। उसके बाद है अपीलेट बोर्ड, एक अपीलेट बोर्ड बनाया जाएगा इसमें। तो इसमें एक चेयरमैन होगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक मेंबर होगा, इस तरीके से लोग इसमें होंगे। तो ये जो अपीलेट बोर्ड बनाया जाएगा, ये जो जो भी मामला गया है और आपने मान लो कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपने अप्लाई किया था न्यूज़पेपर के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो उस टाइम पर आप अपीलेट बोर्ड जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। और जो भी ये अपीलेट बोर्ड अपना डिसीजन देगा तो उसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, पहली बात बाध्यकारी होगा, मानना ही मानना होगा और वो फाइनल होगा। इसके बाद आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। अब इस बिल के साथ क्या इश्यूज़ हैं वो हैं, तो पहला क्या है कि द प्रोविजन डिक्लेयर्स दैट रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिविंग इट वेग एंड अनक्लियर। डिजिटल मीडिया के बारे में बस थोड़ा सा लिख दिया, बहुत अस्पष्ट। डिजिटल मीडिया आज अगर देखी जाए तो इतनी ज़्यादा एक्सपांड कर चुकी है कि उसके बारे में प्रॉपर प्रोविजन होने चाहिए थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस सीधा डिजिटल मीडिया लिख दिया है। और डिजिटल मीडिया में क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, क्या इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बता रखा है। सेकंड बता रखा है कि जो हमारे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत जिनको कभी भी कन्विक्ट किया गया है तो वो कोई भी पब्लिकेशन नहीं ला सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो हमारा UAPA 1967 है, इसका कितना सरकार मिसयूज करती है, तो ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट क्या बता रखा है कि जो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत स्वायत्तता की बात की गई है तो वो नहीं, यहाँ पर सरकार का कुछ ज़्यादा ही महत्व तो बढ़ गया है। रिक्वायरिंग द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडियम्स अंडरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द इंटरनेट टू डेमोक्रेटाइज इन्फॉर्मेशन बाई इरेक्टिंग बैरियर्स टू द फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन। यानी कि अब भाई उसके लिए भी मंजूरी लेने की जरूरत होगी, डिजिटल मीडिया पर भी प्रेस के जो सैंक्शंस हैं वो लग सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन को भी लिमिट करता है। तो अब उसके बाद हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या दे रखा है। तो कंक्लूजन में बता रखा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको भी ध्यान में रखा जाए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है उसको भी ध्यान में रखा जाए, मतलब संतुलन इन सब के बीच में बनाने की जरूरत है। सो द प्रोटेक्टिंग द कलेक्ट टिव वेलबींग ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारी सोसाइटी जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है, हेट स्पीच वगैरह ना हो, तो इस तरीके से इनके बीच में अगर संतुलन लेके चला जाता है तो बहुत अच्छा होगा। और हमने तीनों टॉपिक्स डिस्कस किए, आई होप ये सारे तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।